अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हरी मिर्च वाला मटन मसाला, बिल्कुल इजी मेथड में। चलिए बनाना शुरू करेंगे। देखिए कुकर ले लेंगे अपन। अब इसमें ये 500 ग्राम मटन है, बोनलेस मटन, इस तरह से वॉश कर ली। में वॉश करके कुकर में ऐड कर देंगे। और छोटे पीसेस करना है, एकदम बड़े पीसेस रखना नहीं है, छोटे पीसेस करना है। और ये कुकर में ऐड कर दी मैं। देखिए मटन को कुकर में ऐड कर दी इस तरह से। अब इसमें चंद मसाले ऐड कर देंगे अपन। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। वन टीस्पून नमक अपने हिसाब से डालिए आप लोग। मैं 1 टीस्पून ऐड कर दी नमक। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 टीस्पून डाल देंगे। अब देखिए थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। अब अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। अब देखिए 1/2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी मैं। आधी गिलास पानी ऐड करके एक लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे, 3 से 4 सीटी हुए तक। अब लीड लगा दूंगी मैं। अब क्या करेंगे, पूरा हरा मसाला ग्राइंडिंग कर लेना है। पुदीना है, हरी मिर्च है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और हरा धनिया है। इसको एक पेस्ट बनाकर बताऊंगी। और ये 8 से 10 लहसुन है, ये भी इसके साथ पीस लूँगी मैं। देखिए जार में ऐड कर देना है इस तरह से, लहसुन के साथ पूरा। देखिए पेस्ट बनकर रेडी हो गया हमारा। अब एक साइड में रख लूँगी मैं। अब क्या करेंगे, मटन गल गया या नहीं गला देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए एक बार चेक करेंगे ये मटन गला या नहीं गला। थोड़ा सा पानी ऐड करी मैं, गरम नहीं दिखना है। देखिए अच्छे से परफेक्टली मटन गल गया। अब देखिए थोड़ा सा पानी सूखे तक भूनूंगी मैं 2 मिनट तक। अब क्या करूंगी, ये मटन जो है ये मटन एक पैन में ऐड कर देंगे अपन इस तरह से। अब देखिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी कम दिख रही, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दी मैं फिर से थोड़ा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। देखिए इस तरह से मटन गोल्डन ब्राउन हो जाना है, इस तरह से कलर आ जाना है। देखिए मीडियम या लो फ्लेम पर रखिए फ्लेम। अब ये जो हरा मसाला अपन ग्राइंडिंग करे थे लहसुन के साथ, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, क्योंकि मसाले वेस्ट करना नहीं है, इस तरह से डाल दूंगी। ये देखिए 2 टेबल स्पून दही है, ये भी ऐड कर देंगे। इसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ये भी ऐड कर देना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। इस तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे।
अब लीड लगा दूंगी मैं, लगाकर एक 8 से 10 मिनट तक ऑयल सेपरेट हुए तक छोड़ दी थी, दही का पानी सूखे तक। अब देखिए फ्राई करने के लिए रेडी है, पानी पूरा अच्छे से सूख गया। अब ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, अब ये नींबू का जूस ऐड कर देंगे, आधा नींबू का जूस ऐड कर दी मैं इस तरह से। अब ये देखिए थोड़े से करी लीव्स और हरी मिर्च है, ये भी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा, ऑयल सेपरेट हुए तक मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ा सा मटन मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा।